छोड़कर चले गए उस शासनकाल की जो लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा है। 15 वर्षों के आरजेडी का यानी लालू परिवार जी की सरकार का वह 15 वर्ष उठाकर देखे, बिहार से व्यापार समाप्त होने लगा था। लगभग कई 100 व्यापारी यहां से बिहार से पलायन कर, और आज मैं आपको बताऊं बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो अब बिहार आने को इच्छुक हैं, उनमें विश्वास जगा है कि अब यहां लालू परिवार की सरकार बिहार में अब कभी नहीं आने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी। और उनका ऐसा विश्वास रहता है कि आज व्यापार और उद्योग दोनों जगत का विश्वास बढ़ा है, और वह विश्वास के बदौलत बिहार में उद्योग भी लगने वाला है और व्यापार भी बढ़ने वाला है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जो तांडव किया है बिहार की भूमि पर, वह उनके 15 वर्षों के इतिहास को सिर्फ याद ही नहीं दिलाया है, धन्यवाद देना चाहेंगे हम बिहार की जनता को, जनता जनार्दन को, जिन्होंने भापा था और तेजस्वी की सरकार बनने से रोका। पता नहीं कहां से वो आंकड़ा उनके पास पहुंचा, और उनको लग रहा था कि हमारी सरकार बनने वाली है, और उन लोगों ने 3 दिन का जो तांडव किया है बिहार, उसको 30 वर्षों तक आगे भूलने वाला नहीं, 30 वर्षों तक नहीं भूलने वाला। 3 दिन में यह राज्य की स्थिति, और मैं आपको बता रहा उस समय यहां नीतीश जी की सत्ता थी, प्रशासन को इतना को उसमें कार्रवाई के लिए मतलब सतर्कता के लिए सतर्क प्रशासन को करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोगों को रोका गया, नहीं तो लग रहा था कि जैसे ही एक उनको सूचना मिली हमारी सरकार बन रही है, लूट खसोट मार पीट तंग करना, जैसे लग रहा है कि बिहार में एक ऐसी अराजक स्थिति तेजस्वी जी के नेतृत्व में आ गई है। 3 दिनों तक की वह अराजक स्थिति, इसमें लूट खसोट रंगदारी और लोगों के साथ बदतमीजी हिंसा पर लोग उतारू हो गए। तेजस्वी जी वह 3 दिन की काली रात और काला दिन जिसमें आपका तांडव हुआ था, वह काली रात और काला दिन एक भरे सुबह, एक सुनहरे सुबह और एक अच्छी सूर्योदय और बिहार की तकदीर लेकर खड़ा हो रहा था। तकदीर आपके लिए, आपने जो काला दिन उसको बनाने की कोशिश की, 3 दिनों को आपने हत्या, आपने जो हिंसा पर उतारू अपने कार्यकर्ताओं को, लूट के लिए रंगदारी के लिए लोग जाने लगे दुकानों पर, व्यापारियों के पास पैसे दे दो 3 दिन बाद नहीं तो भुगतना पड़ेगा, यह बात कही जा रही थी, तुम पैसे दे दो आज, अगर तुम हमको 30,000 नहीं देते हो तो 3 दिन बाद तुमको 3 लाख देना पड़ेगा, इस प्रकार की धमकी भी सूचना आने लगी। कई जगह मारपीट, एक मेडिसिन की दुकान को लोग बंद करके वहां से मेडिसिन की दुकान से कहीं रंगदारी, कहीं जो है सो चावल वाले से, कहीं मिठाई वाले से, कहीं कपड़े वाले से, कहीं किसी अन्य व्यापार वाले से, यहां से यहां तक चौराहे पर अपने चमड़े के उद्योग में लगे हुए बूट पॉलिश करने वाले रविदास भाइयों को भी इसने नहीं छोड़ा, अपने जूते का फ्री में बूट पॉलिश कराने का आरजेडी वालों ने उस 3 दिन में अपना जूते दिए। इसलिए मैं उनकी काली करतूतों के कारण उन्होंने जो काली रात और काली दिन लाने की कोशिश की थी,